हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, ऐसे में ज़रूरी है कि उसके लिए बेहतर तैयारी करें, जिससे कि इस बार जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब का क्वालिफाई हो जाए, JRF नेट अच्छे से क्वालिफाई हो। स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पे टॉपिक के साथ। ICP का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है नंबर सिस्टम। क्या रहता है? लीशा, भरत, ख्याति, गुलनियाज, असलम, कृषु, निवेदिता, चंद्रिका, संध्या, गीता, प्रियंका, अभिजीत, रिचा, आबिदा, शख्स, रंजीत, रुचि, पारुल, शांति। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसको हमको सॉल्व करना होता है। पहला यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है? डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल, ठीक है। संख्या प्रणाली दशमलव, द्विआधारी, अष्टाधारी और षोडश आधारी। षोडश आधारी किसे कहते हैं? हेक्सा डेसिमल को। यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। कीर्ति, इंडियन स्मार्ट किड्स, गुड इवनिंग बेटा। अब यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर जो विकी है, जो विकीपीडिया है, उसमें क्या चीज़ कही गई है? इन मैथमेटिक्स अ बेस और रेडिक्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एंड लेटर दैट अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। यहाँ पर उसके बारे में क्या बोला गया है, इसको समझना है सभी को, ध्यान से देखना सब लोग। गणित में एक आधार या मूलांक विभिन्न अंकों या अंकों और अक्षरों के संयोजन की संख्या है, जो गिनती की प्रणाली संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग करती है। किसने कहा है? विकी, यानी विकीपीडिया में कहा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये समझना कि जो डेसिमल है वो क्या है, बाइनरी है वो क्या है, ऑक्टल या हेक्सा डेसिमल। कभी कभी इसमें भी आपके सामने क्या आ जाती है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी क्या आते हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? या तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि जो डेसिमल है उसका बेस क्या है, डेसिमल का मतलब क्या होता है। काजल, संध्या, विशाली, करिश्मा, नेहा, गुड इवनिंग बेटा। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दस। डेसिमल मतलब दस, इकाई दहाई, दहाई जिसको बोलते हैं ना, 0 to 9। ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों हो जाती है पारुल? ऑक्टल का जो बेस होता है सॉरी, ऑक्टल का जो बेस होता है उसको ध्यान रखिए, 0 to 7। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 डिजिट का, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। और हेक्सा डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है, यानी 16। आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन कौन सा है? आपका क्वेश्चन बनता है हेक्सा डेसिमल में। सबसे ज़्यादा जो MCQ पूछे जाते हैं वो इस बारे में होते हैं कि हेक्सा डेसिमल की डिजिट इस तरीके से लिखी होती है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से हेक्सा डेसिमल क्या है, हेक्सा डेसिमल क्या है, आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होएगा? जहाँ पर हेक्सा डेसिमल में 0 to 9 तक की डिजिट आएगी, पहली बात यहाँ पर एक चीज आपने देखा होगा, 10 कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि हमने कहाँ से कैलकुलेट करना है? 0 to 9 से कैलकुलेट करना है। 0 से अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 नहीं आएगा वैशाली, यही चीज है, हम गलत कर रहे हैं। हमारी कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 0 से स्टार्टिंग होगी, हमारी संख्या 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो हमारा पहली बात, डेसिमल जिसको हम कहते हैं दहाई का अंक, 10 नंबर, 0 से 9 के बीच में काउंट करिए। 0 से अगर आप काउंट करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक जाओगे तो 10 डिजिट होगी, यानी डेसिमल, 10 डिजिट यानी कि डेसिमल। बाइनरी, बाइनरी आपके कंप्यूटर फॉर्म 0 to 1 का बेस होता है, क्या इसमें डोनेट करता है? 2 डिजिट का यूज होता है बाइनरी और डेसिमल। यहां पर ये भी ऑप्शन क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है, कंप्यूटर में आपको पता है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाइनरी कोड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो बाइनरी क्या हुआ? 0 से 1।
ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल रिप्रेजेंट करता है आपका 8 डिजिट, 0 से 7। यहां पर कहीं पर भी 1 से 7 या 0 से 1 तो चलो है, 1 से 7, 1 to 9 या 1 to 16 नहीं होता, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है? 0 to 1। ठीक है, ऑक्टल में क्या होता है? रिप्रेजेंट एनी नंबर यूजिंग 8 डिजिट, 0 to 7। 0 से 7 तक काउंट करोगे कितना बनेगा? 8। सब क्लियर है? 8 डिजिट बनेगी। ऑक्टल किसको रिप्रेजेंट करता है? 8 को। डेसिमल यानी जब दहाई की बात करें तो दहाई किससे बनता है? 10 से बनता है। ऑक्टल किससे बनता है? 8 से, यानी उसका बेस कितना है? 8। यानी जो भी आपको डिजिट पूछी जाए कि इसको निकालना है, सीधी सीधी बात है, 2 से आपको डिवाइड करना है, ऑक्टल पूछा जाए तो 8 से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल पूछा जाए तो 16 से डिवाइड होगा। हेक्साडेसिमल क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, DTH, वेरी गुड, DGH। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट एनी नंबर यूजिंग टू 10 डिजिट एंड 6 कैरेक्टर, यानी 0 से लेके 9 तक कैलकुलेट करेंगे तो बनेगी 10 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट वो, क्योंकि इसका बेस कितना है? 16, और 6 आपके कैरेक्टर्स आते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल, इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखें। ऑक्टल 0 से 8 नहीं होता बेटा, 0 से 7 होता है, 8 का बेस होता है। ये इस चीज को ध्यान रखिए। 10 का मतलब 0 से 9, 2 का मतलब 0 से 1, 8 का मतलब 0 से 7। 0 को हम 1 मानेंगे, 16, 0 से 9 और 6 इसमें क्या आ जाते हैं? अल्फाबेट। हेक्साडेसिमल में आपके अल्फाबेट भी आते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। हिंदी में भी इसको समझ लो। आधार, दशमलव जिसको हम कहते हैं, डेसिमल 0 से 9 अंक, बाइनरी 0 से 1, अष्टक जिसको कि हम ऑक्टल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अष्टक कहते हैं, 8। 0 से 7 हेक्साडेसिमल, 10 अंक और 6 वर्ण, यानी 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं और बाकी ए बी सी डी ई एफ 6 वर्ण। क्वेश्चन किस तरीके से आपके सामने आते हैं? या तो आपसे पूछा जाएगा बाइनरी टू डेसिमल बताइए, या डेसिमल टू बाइनरी। इस समय मोस्टली यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रणाम सोनम, संगीता, छोटे लाल, अभी कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें ऑक्टल टू बाइनरी कम पूछा जाता है, बाइनरी टू ऑक्टल भी कम पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, ये कोई मनाही नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी मतलब इन टॉपिक से कम पूछा जाता है, एज कंपेयर करें अगर हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यूजीसी नेट PYQ में आप एक बार देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो यहां पर आपको बताया इनके बेस, याद रखिए बेस कितना होगा? 10 का, बाइनरी 2, ऑक्टल 8 और बेस हेक्साडेसिमल का 16। अब आगे चलते हैं। अगर हमें शॉर्टकट इस्तेमाल करना है एग्जाम में, तो इस टेबल को, जैसे हम लोग टेबल लर्न करते हैं ना, टेबल लर्न करते हैं ना, वैसे ही ये शॉर्टकट्स आप याद कर लीजिए। गुड इवनिंग मनोज, राधा। अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो यहां पर आपको ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर सिस्टम कन्वर्जन टेबल, एक तरफ दिया है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। 0, 0, 0, 0 की वैल्यू इसमें सब में कितनी है? सेम है। बाइनरी अगर आपसे कहा जाए एक का बताइए बाइनरी नंबर, डेसिमल को कन्वर्ट करिए बाइनरी में, तो कितना हो जाएगा? 0, 0, 1। हेक्सा में कितना हो जाएगा? 1। अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0 से 1 वाली बाइनरी में, तो 0001 इसकी डिजिट होगी। अगर हम 2 डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में तो कितना हो जाएगा? 2। और अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0010।
इस तरीके से ये सब चीजें रट्टा मार, बिल्कुल रट्टा मार लो, ये शॉर्टकट्स हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके सामने इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज आती हैं, सात की वैल्यू पूछ सकते हैं। सात की वैल्यू कितनी है? 0111, बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे ये रट्टाफिकेशन होता है। अब यहाँ पर देखो, हेक्साडेसिमल 9 पे कंप्लीट हो गया। हेक्साडेसिमल 0 से स्टार्ट हुआ, 9 से कंप्लीट हुआ, उसके बाद अल्फाबेट आ गए। क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या कहा गया था कि हम 10 डिजिट आपकी लेंगे, उसके बाद अल्फाबेट को लेंगे, यानी 6 अल्फाबेट होंगे और 10 डिजिट्स होंगी। तो 0 से 9 क्या कहा गया? डिजिट। उसके बाद क्या कहा गया? अल्फाबेट। उसके बाद अगर कहा जाए ई 14 है, इसको कन्वर्ट करिए। देखो पूरा का पूरा कन्वर्जन शीट है आपके सामने। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एग्जाम में, इफ द बाइनरी इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर इज इतना, देन द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज 51 इज गिवन बाय। अगर मान लीजिए डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है, अभी तक इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ। अभी तक, हेलो पूजा, अभी तक इतना किस किस को समझ में आया पहले तो ये बताओ। अभी तक कुछ समझ में आया कि बस ऐसे ही तुक्के चल रहे हैं, कि समझ में तो कुछ भी नहीं आया और बाकी हो गया। अब यहां पे क्या करना है? इतना समझ में आया? बाइनरी कितने डिजिट की होती है बताओ जरा, बाइनरी का बेस बताइए जरा पहले। बाइनरी का बेस बताइए कितना होता है? अभी तक आपको पढ़ाया बाइनरी का बेस, बाइनरी लिखो, बाइनरी याद रखो, इसका बेस 2 होता है। बाइनरी के बाद आता है डेसिमल, डेसिमल का बेस क्या बताया था आपको? 10 होता है। उसके बाद आता है ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना बताया था? 8 बताया था। हेक्साडेसिमल कितना बेस बताया था? 16। कितना बताया था? 16। अब यहां पर करना क्या है? अब यहां पर आपको पता है बाइनरी मतलब 0 से 1, डेसिमल मतलब 0 से 9, यानी कि हमारा 10। समझते जाना यहां पे। ऑक्टल मतलब क्या हुआ? 0 से 7, यानी टोटल 0 से काउंट करोगे तो कितना होएगा? 8। ठीक है, उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल क्या होएगा? 0 से 9, यानी 10 डिजिट ये हो गई, प्लस आपके 6 अल्फाबेट ए से एफ तक, कितना हुआ ये? 16। कितना हुआ ये? 16 हुआ। अब इसके रिगार्डिंग अगर हमें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके रिगार्डिंग मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक एग्जाम्पल देती हूं मैं अभी। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया 14, डेसिमल टू बाइनरी इसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको कौन सॉल्व करके बताएगा इसका सही आंसर क्या होगा? डेसिमल टू बाइनरी अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो इस 14 का क्या करेंगे? एलसीएम लेते हुए एक तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम 14 का एलसीएम लें, इस तरीके से लेंगे, कैसे? किसके बारे में बात हो रही है? बाइनरी की। बाइनरी की डिजिट कितनी है? 0 1, यानी कितनी के लिए बेस है इसका? 2। कितना बेस था? 2। तो हमने इस 2 को ये लिख दिया यहां पे। अब हमने क्या किया? 2 से इसको डिवाइड किया। किसको? 14 को। इस डिजिट को डिवाइड करना है। अगर आपसे कहा जाए ये 14, 14 कितनी संख्या है? आपकी डेसिमल संख्या है 14, इकाई दहाई, 14 डेसिमल। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? 7 से आप डिवाइड करोगे, कितना आपको रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर लिखना है यहां पे। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 14 को तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां बचेगा 0। फिर आप 2 से डिवाइड करो, कितना डिवाइड करोगे? अगर आप करोगे डिवाइड तो 2 3 जा करोगे ना,
दो तिहाई छः, कितना रिमाइंडर बचा? वन। अब आपने फिर से दो ले लिया क्योंकि अभी ये भी कट सकता है, तो कितना होएगा? दो एकम दो यानी टू वन जा टू हो गया। अब कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे? वन रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे लिख दिया फिर से टू, लेकिन अब यहाँ पे देखो बिल्कुल भी कहीं से भी कोई कट नहीं रहा। क्या हो रहा है? कट नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप इसको काउंट करना है। यानी अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए 14 डेसिमल संख्या है 10, इक्वल टू आपसे पूछा गया बाइनरी निकालना है इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालोगे। अब कितना हुआ, यहां से वन उठाइए, वन यहां से, दूसरा वन यहां से, एक और वन और ये जीरो, आ गया आपका आंसर। यानी यहां पर अगर हम 14 डेसिमल लेंगे तो वो इक्विवेलेंट कितना होगा, कितने बाइनरी के इक्विवेलेंट होगा, इतने कितने के होगा? आ रही है बात समझ में? किस किस को समझ में आ गई ये चीज? अगर हमसे डेसिमल टू बाइनरी पूछा जाएगा तो कैसे निकलेगा? आ रही है बात समझ में? अगर मान लीजिए मैंने एक संख्या दी आप लोगों को 7, 7 दी, अब इसका निकाल के बताइए कितना बाइनरी होगा। चलिए सॉल्व करिए। हाँ, 2 का मल्टीप्लाई होगा बेटा। आ रहा है समझ में? आराम से समझो। अब 7 का अगर आपको निकालना है तो 7 का कैसे निकालोगे? क्या ऑप्शन सही होगा? 7 का अगर डेसिमल को, 7 ये हमारा डेसिमल है, आपको कहा जाए बाइनरी में कन्वर्ट करिए, आपके सामने ऑप्शन दिए हो, ऑप्शन नंबर ए 112 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 111 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 115, यानी कि बाइनरी का 2 यहां पर बेस, और डी ऑप्शन है 116 स्क्वायर नहीं है, ये बेस है 2, याद रखिएगा। कितना आंसर होगा इसमें से ऑप्शन बताइए। गुड इवनिंग रूबी, वेरी गुड, गुड जॉब बेटा, सबने सही बताया। आबिदा 110 कैसे होगा बेटा? अब यहां देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन बी कैसे होगा, क्यों हमारा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? अब ये भी समझ लो क्यों गलत हुआ। मैंने क्या कहा था आपसे, इस तरीके से निकाल लेना है आपको, बोला था करना क्या था इसको, 7 लिखिए, 7 लिखिए, क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है, तो 2 से हमने इसको डिवाइड करना है, 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 3 को फिर से हम काट सकते हैं कि नहीं? ये देखो यहां नीचे हमने करके दिखाया हुआ है, फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, किसको? 3 को। कितना होएगा? 1 होएगा, 2 1 2 होएगा, क्योंकि 3 तो आता ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं होगा, तो 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब हमने क्या देखा कि अब 1 को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, यानी कि 111 111, और यही होगा हमारा सही आंसर। डेसिमल टू बाइनरी आ गया सबको? अभी सबको समझ में आया? एलसीएम निकालना है, एक तरीके से ये समझो एलसीएम निकालना है। दिवी, नीतू, गुड इवनिंग बेटा, अभी देख लो, क्योंकि बाद में मत कहना कि यार मैडम हमसे डेसिमल टू बाइनरी नहीं निकला। क्या नहीं निकला हमसे? डेसिमल टू बाइनरी नहीं निकला। प्रिया मोस्ट वेलकम बेटा, जो चीज ना समझ में आए तो उसको बताना। अभी सबको समझ में आ गया? अच्छा, मान लीजिए आपके सामने डिजिट दी गई है 10, डिजिट दी गई है 10, आपसे कहा है कि चलिए बाइनरी निकाल के बताइए, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक डिजिट दी गई है, तो अब इसको क्या करोगे, फिर से इस तरीके से एलसीएम निकाल के इसका आंसर बताओ क्या होगा।
टेन का निकालो सोनम, पारुल, एग्जाम में कुछ भी नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए। मतलब अभी मैं तुक्का स्टाइल भी बताऊंगी आप लोगों को, आराम वाला, ऐसा मतलब ऐसी ट्रिक होएगी ना, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वन जीरो वन जीरो, वेरी गुड। आपने डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया, बहुत बढ़िया। अब लेकिन मान लीजिए ये ट्रिक काम नहीं आई, ये ट्रिक काम नहीं आई, अब डेसिमल टू बाइनरी क्या करेंगे हम? अगर हमें शॉर्टकट तरीके से निकालना है फिर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, वन लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसमें? टू का मल्टीपल लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे? यानी वन, टू, टू के बाद क्या आता है? फोर, फोर के बाद क्या आता है? एट, एट के बाद 16, टू का मल्टीपल, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, उसके बाद 32 दूनी 64, 64 के बाद कितना आएगा? वैसे ही निकालते जाएंगे। अब जब हमने इस तरीके से निकालना शुरू किया टू का मल्टीपल, यानी टू इंटू वन करेंगे तो टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 32, 64। जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा, जो मेमोरीज होती हैं, आप कितनी लेते हो? कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें 2 GB लेते हो, 4 GB लेते हो, कभी आपने 3 GB सुना है? नहीं सुना है। 8 GB लेते हो, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? जीरो से वन को लेंगे बाइनरी में। बाइनरी दो डिजिट को मानता है। जीरो से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जीरो से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। इसलिए हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। 128, वेरी गुड। ठीक है, तो जब हम जीबी लेते हैं तो कितनी लेते हैं? दो, चार, आठ, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, बढ़ाते जाओ, टू का मल्टीप्लाई करते जाओ। अब मान लो आपसे कहा गया है, जो अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 14 का बाइनरी नंबर बताइए कितना होगा। शॉर्टकट देखिए, अब एक, दो, चार, आठ, 16, 32 मल्टीप्लाई करते जाओ, दो दो दो। कैसे निकालेंगे अब 14? कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम 8 4 12 और 2, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू हमारी आ रही है, जैसे 8 4 12 2 14, जो वैल्यू हमारी 14 को कंप्लीट कर रही है उसके नीचे लिख दीजिए वन, और जो वैल्यू हमारी 14 में नहीं आ रही है उसको लिख दीजिए जीरो। मतलब जिसमें हमारा 14 कंप्लीट हो रहा है उसको लिखो वन, और बाकी जो नहीं कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि ये वन, क्योंकि प्रीवियस क्या था? वन, तो वहां पर क्या लिख दो? वन 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 जीरो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वन 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 जीरो। कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? 101 10 नहीं पूछा, हमें सिर्फ यहां से काउंट करना है। यहां तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारा तो 16 से कम है ना 14। अगर हमारा 14 से ज्यादा होता, मान लीजिए होता 18, मान लीजिए होता 18, तो 16 ये था, 2 ये था, इस 16 की जगह पे हम लिखते वन और इस 2 की जगह पे लिखते हम वन, और बाकी 8 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 0 और 1 की जगह पे 0, कितना आंसर हो जाता? 10 10 10। ठीक है, एलसीएम मेथड भी इजी है, ये भी मेथड बहुत इजी है। 16 17 18, यहां पर 8 और 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 0, और 2 की जगह पे, क्योंकि 16 और 2 कितना बन रहा है? 18, एक लगा दिया और फिर जीरो। ये बहुत इजी ट्रिक है। अभी तुम लोगों को लग रहा है कि थोड़ी टफ है, बट टफ टफ है नहीं है। या तो आप इस तरीके एलसीएम निकाल के करो, जैसे यहां पर ये देखिए, एक यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, 51 का डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला। ये वाला क्वेश्चन जो 51 आप देख रहे हो, ये आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
आ रही बात समझ में? जिसको जिसको समझ में आया हैंड रेज करो अपना। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो सबसे इजी ट्रिक है ये, सबसे इजी ट्रिक है। सिर्फ आपको 18 नंबर को जोड़ना है, 18 नंबर को जोड़ना है। मान लीजिए एक लिखा है, दो लिखा है, चार है, चार के बाद कितना, 8, 16, 32 और 64। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 35, 35 का निकालिए बाइनरी। तो इसमें से बहुत आसान है इसको निकालना, आ रहे समझ में? कैसे निकालना है इसको? 32 ये रहा, अब 32 में इतना कितना जोड़े कि मेरा कितना आंसर हो जाए, 35। तो 2 और 3 को भी अगर हम जोड़ लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 32, 33, 34, 35। और जो डिजिट हमारी मिल रही है उसको हमने एक से डिनोट करना है, और जो बीच के हैं 64 से कम है 32, 35 64 से कम की संख्या है, इसलिए हम 64 पे नहीं बढ़ेंगे, हम 32 तक ही रुक जाएंगे। अब ये जो बीच में जिनका कोई काम नहीं है, 0/सन्नाटा इनको देना है, यानी हमारा आंसर ये निकल आएगा। अगर हम 35 डेसिमल की बात करें बाइनरी कन्वर्जन में, तो हमारा आंसर 1000011 आ जाएगा। मुश्किल है कि इजी है? विजेता, या तो एलसीएम मेथड से निकालो, और या फिर यहां से बहुत इजी तरीके से, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है इस वाली ट्रिक में, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको 32, अगर मान लीजिए लिखा हो, अगर मान लीजिए लिखा हो 12, मान लीजिए आपके सामने आई 12 को कन्वर्ट करिए बाइनरी में, क्या करेंगे? पहली बात 12 है तो यानी 16 तक हम जाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये 16 से कम की संख्या है, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन इन चारों में से एक होना चाहिए। अब हमने 12 निकालना है, तो 12 के लिए हमारे पास क्या है, 8 है और 4 है। 8 और 4 अगर जोड़ देंगे तो हमारी संख्या निकल आएगी, तो 8 जिससे हमारी संख्या निकलेगी, 4 जिससे हमारी संख्या निकलेगी, 2 और 1 भी है लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 कर देंगे। कितना बन जाएगा, 1100। कितना टाइम लगा बेटा? मुश्किल से आई थिंक 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इसमें। आपको याद रखना है जीबी के तरीके लिख लो, 1 2 4 8 16, 32 64। लिखने के बाद 64 के बाद आगे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अरे एनटीए का तोड़ निकालो बेटा, 128, 128 के आगे जाओ 256। कैसी भी संख्या पूछ ले, मान लीजिए उसने पूछ लिया 257, 257 पूछ लिया, कोई बात नहीं पूछ लेने दो भाई। हमने 256 को यहां लिखा, यानी यहां पे 1 लिया, और एक हमारा है यहां पे, इसको लिख लिया 1। बाकी की जितनी भी संख्या है, यानी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में क्योंकि 1 56 को 57 बना रहा है, बस ये हो गई हमारी बाइनरी। राम जी, अगर 31 का निकालना हो बेटा तो कैसे निकालेंगे? 31 का निकालना हो तो कैसे? अब यहां पर हमें संख्या को देखना है कि 16 8 कितना होता है, 16 और 8 कितना होता है इसमें से। अब आपको 31 का मतलब है कि यहां तक नहीं जाएंगे, अब हमारा क्वेश्चन यहां से रहेगा। 31 का मतलब है कितना हुआ, 8 4 12, और 12 और 16 कितना हुआ, काउंट करो जरा इसमें, 31 को निकालो जरा, पता था पर प्रैक्टिस नहीं दी। सोलह चार 20 28, 29 30 31, अरे भाई ये तो पूरा ही यही बन गया, 16 4 20 28 29 30 1 31, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 निकल आया, 5 1 हो जाएंगे बेटा।
पाएंगे अगर हम क्योंकि देखो एक चीज समझो, अगर लिखा है 31 तो हम 32 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 32 ज्यादा संख्या है, ज्यादा संख्या तक नहीं जाएंगे, यानी हमें उससे कम से जुड़ना है। अगर आपसे 65 पूछा जाए तो हम कहां तक जाएंगे, 64 तक जाएंगे, क्योंकि 64 के बीच में ही आंसर आएगा। अब आ गया समझ में, सबको समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी डेसिमल टू बाइनरी। जिसको समझ में आया अपना हाथ रेस करो जरा, अपना मुझे समझ में आया, किस किस को समझ में आया अभी, किस किस को नहीं समझ में आया। ये इजी ट्रिक तो ऐसी है कि मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सेवन सेवन डेसिमल का बाइनरी बताओ जरा क्या होगा। सेवन अगर हम बात करें, फोर 8 से कम है यानी हम 8 तक जाएंगे ही नहीं, 4 5 6 1 7 यानी सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1, बात खत्म। ठीक है, चलो अब हमने कर लिया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब अगर हमें बाइनरी निकालना है तब क्या करेंगे, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल निकालना है तब क्या करेंगे। अभी हमने निकाला डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी यानी टू डिजिट वाला। अब बाइनरी टू डेसिमल निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके सामने संख्या दी है 1011। अब इसका डेसिमल बताइए कितना होगा। कौन बताएगा इसका डेसिमल कितना होगा? अगर आपके सामने बाइनरी टू डेसिमल, अभी हमने क्या निकाला था, डेसिमल टू बाइनरी निकाला था, अब हमने बाइनरी टू डेसिमल निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, अब ये समझो कैसे निकलेगा। अब हम निकालेंगे इसी ट्रिक के साथ में, किस ट्रिक के साथ में, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करी थी, यानी 1 2 4 8 16 32, 32 के बाद कितना हुआ 64, 128। अब हम इससे ही निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब हम इससे कैसे निकालने वाले हैं, क्या लिखा है 1011, 1011। क्यों? क्योंकि जिस संख्या को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहां पर आप देखो जिस संख्या को हमने कैलकुलेट किया उसको हमने काउंट किया, बाकी की डिजिट्स को छोड़ दिया। हमारी कैलकुलेशन जहां थी हमने सिर्फ उतना कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब है 1011 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये जो संख्या थी हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है हमारी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू नहीं है, यानी 8 9 10 और 1 11। 8 को जोड़िए, 2 को जोड़िए जिसमें नीचे 1 लिखा है, जिससे हमारी संख्या जुड़ती हो, कितना हो जाएगा 11। 15 कैसे होगा राधा, 15 कैसे होएगा 1011। इसका मतलब है इन्होंने सिर्फ 4 संख्या को लिया है। ठीक है, तो हमने भी 4 संख्या नीचे लिख दी। उसके बाद में क्योंकि हमने स्टार्ट किया 1 से, 1101 यानी इन्होंने जो संख्या ली है वो 8 ली है, 0 लिखा यानी 4 को नहीं लिया, यानी हमारा कैलकुलेशन 8 9 10 1 11। आ रही है बात समझ में? अच्छा, मान लीजिए हमारे सामने लिखा हो 10001। अब इसका डेसिमल बताइए कितना होगा। डेसिमल किसको, 10 किसको डिनोट करता है, डेसिमल को। कोई बात नहीं, सोच समझ के आंसर करो। अब मान लीजिए आपसे हम कहें बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल हम क्यों बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा बाइनरी टू डेसिमल है, क्योंकि यहां 2 लिखा है मतलब ये बाइनरी है, यहां पे 10 लिखा है या मतलब ये डेसिमल है, यानी इन्होंने बोला बाइनरी टू डेसिमल को फाइंड आउट करिए।
अब कितना आंसर आएगा जल्दी से जोड़ के बताओ। 17 कैसे होगा निवेदिता, 17 कैसे होगा बेटा? अच्छा, हम इसमें एक और जोड़ दें फिर कितना होएगा? अगर हम इसमें और जोड़ दें, 17 सही है। अगर हम इसमें 1000 जोड़ दें, 4 0 जोड़ दें, फिर कितना हो जाएगा? 17 सही है, सही है 17। अगर हम 1 और 4 0 और 1 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 1। 0 0 को हमने काउंट नहीं करना है, हमने किसको काउंट करना है? 32 को काउंट करना है और 1 को काउंट करना है, यानी टोटल कितना हुआ? 33। आ गई बात समझ में अभी की किसी को नहीं आई? बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, अभी कुछ समझ में आ रहा है बच्चे की नहीं आ रहा है? कितना इजी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। मान लीजिए मैंने कहा आपसे, अगर मान लीजिए मैंने कहा आपसे 1001 बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करिए, बाइनरी टू डेसिमल, आंसर बताइए क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा बच्चे। उसके बाद जैसे ही आप दोबारा देखोगे ना, एक बार दोबारा रिपीट करके देखना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमारे सामने होता क्या है, क्वेश्चन आता है और हम डर जाते हैं कि यार क्या करें अब इसको। 1001 बहुत आसान, देख लो तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 आंसर, क्या बात है, इतनी स्पीड में। यहां सही आंसर 9 होगा। अपने लिए क्लैपिंग करो, इतने अच्छे से और इतनी जल्दी तुम लोगों ने चीजों को समझ लिया, बहुत बढ़िया। 8 और 1 को कैलकुलेट, प्रतिमा, वेरी गुड रुचि। अब अगर मैंने कहा आपसे, एक आपको बता रही हूं, एक क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का, आंसर करिए आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, आंसर करो इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके सामने मैं देती हूँ, 1000011, ऑप्शन नंबर बी या 2 समझ लो, 11001, और ऑप्शन नंबर सी 110101, और ऑप्शन नंबर डी 101011। अब हमको इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आ गया सबको? बहुत, आज मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को इतनी टफ चीज इतने आराम से आ गई। काजल कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होते, नेट खत्म हो गया बाद में देखियो, अभी सबको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताई है ये चीज। 35, 35 को बाइनरी में कन्वर्ट, वेरी गुड। कितना होएगा? 1000011, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपका जून में, क्या था? 25 कन्वर्ट, किसमें किसमें कन्वर्ट करना था? देखते हैं कौन इसको फास्ट स्पीड में करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करिए, डेसिमल टू बाइनरी जनरली इसी में से आता है, ठीक है? ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए मैं ऑप्शन देती हूं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए 10101, ऑप्शन नंबर बी 0110101, ऑप्शन नंबर सी 11001,
और डी 11011। रामजी 35 पॉइंट समथिंग में पूछते ही नहीं है बेटा, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो पॉइंट को नहीं समझता है, वो जीरो या वन को समझता है। जीरो से वन को समझता है, कंप्यूटर पॉइंट्स को नहीं जानता बेटा। आकाश नमस्ते बेटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर 11001। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर वन सही है। चलो एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लो चाहो तो। एक क्वेश्चन और आया था, इन्होंने कहा अगर 48 डेसिमल जो है इक्वल टू कितना है 11000, अगर ये इसके इक्वलेंट है देन 55 किसके इक्वलेंट होगा बाइनरी डिजिट के। ऑप्शन नंबर वन 110011, ऑप्शन नंबर टू, मेरी राइटिंग पे मत जाना बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना ठीक है, 110010, 3 110001 और 4 110100। बलराम बेटा कैसे हो, कैसे? मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? चमन कैसे करना था, कैसे बताया था? बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे बताया था आपको? ये तो था बाइनरी टू डेसिमल, और आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पे, डेसिमल टू बाइनरी कैसे निकालोगे, इसको जल्दी बताओ भाई सब लोग। अभी पूरा वीडियो किस किस ने देखा, क्या करना है? फिर से आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्टकट इस्तेमाल करो या 51 का एलसीएम ले लो, या तो 51 का एलसीएम ले लो या फिर शॉर्टकट इस्तेमाल कर लो। शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया था आप लोगों को 1, 2, 4, 8, 16, 2 का मल्टीपल यानी 2 का गुणा होता जा रहा है सब में, 16, 32, 64, जी भी याद रखना उससे सब चीजें याद रहेंगी, 64। अब यहां किसके बारे में बात हो रही है, 51 की, क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे 51, जल्दी बताओ भाई। क्या करेंगे 51 निकालने के लिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं? 51 का मतलब है हम 64 तक जाएंगे ही नहीं, 32 को काउंट करेंगे, 1 को 1 को डोनेट करेंगे, 8 और 4 को नहीं जोड़ेंगे, 32, 16, 2 और 1। अगर आप ध्यान से देखो 32, 16, 2 और 1 को काउंट करोगे तो कितना बनेगा 51, यानी आपका यहां आंसर 110011 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन। प्रियंका बेटा अभी अभी तो जून वाला एग्जाम ही अभी कंडक्ट कराने के लिए उस पर पूरी तैयारी चल रही है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा कोई भी चीज छोड़ के आए, ठीक है। 32, 16, 2 और 1 बेटा जोड़ लिया करो, अगर 51 लिखा है तो जोड़ लिया करो कि 51 का मतलब है कि कितना जोड़ेंगे हम, जीबी को याद कर लो, कितने की जीबी होती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, उसके आगे 1 लगाना है, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 का मल्टीपल 0 हो जाएगा, लेकिन यहां हमें मल्टीपल बनाना है। आबिदर 2 कैसे होगा बेटा, 51 है, या तो एलसीएम निकाल लीजिए, अगर एलसीएम नहीं निकालना है, शॉर्टकट तकनीकी इस्तेमाल करनी है एग्जाम में,
तो क्या करना है, हमने जोड़ो 32 और 16 कितने हुए, 48। और 48 में दो जोड़ो 49, 50 एक जोड़ो 51, यानी जिस डिजिट से हमारी संख्या बन रही है यानी 32, 16, 2 एंड 1, उनको जोड़ दीजिए, उनके में 1 डोनेट करिए। जो हमारे बीच में कोई भी योगदान कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उनको 0 में डोनेट करिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 51 डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन, 51 का 110011। सुमन जून में बेटा एक्सपेक्टेड है, जून में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक सबको समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप में से कौन है जो डेसिमल और बाइनरी, और याद रखो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, 35, छोटी छोटी मतलब संख्या को पूछा जा रहा है, या 55, इस तरीके की संख्याएं पूछी जा रही हैं, या फिर 1001 बाइनरी। दो से समझ जाया करो कि ये बाइनरी है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, 10 में, यानी कि यहां पर बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा अभी अगर ऑक्टल हमें करना होगा, ऑक्टल अगर हमें करना है तो हमें जैसे हम एलसीएम लेते थे 2 से, क्योंकि बाइनरी की डिजिट कितनी है, बाइनरी की बेस है 2। अगर हमें ऑक्टल निकालना है तो हमें 51 को 8 से डिवाइड करना होगा। आ गया समझ में? मेन यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। कौन कौन खंबा उखाड़ के आएगा इस बार एनटीए का, करंट अफेयर की बेटा बिल्कुल उसके एमसीक्यूज में करवाऊंगी, ठीक है। कौन कौन खंबा उखाड़ के आएगा याद रखना। संगीता 35 वाला क्या नहीं समझ में आया, 35 वाले में 32 इसको जोड़ो, 32, 33, 34, 35, 2 1 3 और 32 कितना हो गया, कितना हो गया, ये 30, 64 तक जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि 35 64 से कम है। अब हमने क्या करना है, 32 की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा, 1। 16 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 को जरूरत है, 1 को जरूरत है। कितना टाइम लगा, अगर हमें 35 का निकालना हो, 35 का बाइनरी अगर निकालना हो कितना टाइम लगेगा? गाड़ देंगे, खंबे गाड़ दोगे तुम लोग, क्या बात है। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो वो बताओ, मोहतशीम गुड इवनिंग बेटा। तो किसी ने फिर लाइक क्यों नहीं किया अभी तक की, लाइक हो जाना चाहिए था, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, तुम लोग खंबे उखाड़ दोगे यार, तूफान ला दोगे बिल्कुल। और लाइक केवल 68 यार, ये तो मतलब जाती होगी हमारे साथ। ऑक्टल में बेटा क्या होगा, ऑक्टल का बेस मैंने क्या बताया था आपको, बाइनरी का बेस होता है, बाइनरी का बेस मैंने आपको क्या बताया था, बाइनरी का बेस होता है, थोड़ा समझो चीजों को, समझने में टाइम लगता है, यहां पे मेरी पीडीएफ कंप्लीट हो गई हालांकि। चलो बाइनरी बताया था आपको, जहां पर आपका 2, तो हमने 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल जो कि अभी आपको बता दिया हमने ऑलरेडी। ऑक्टल में क्या करते हैं, ऑक्टल में 2 की जगह पे हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो बेस है वो कितना है, 8। इसका कितना बेस है, 8। 51 का ऑक्टल नंबर से 10001, बिल्कुल। अब तुम लोग जितनी संख्याएं मैंने यहां पर बताई हैं, 33, 35, 5500, उन सब का ऑक्टल नंबर निकालो, और ना समझ में आए बम फोड़ दो। नाजनीन ने कहा है बम फोड़ दो, क्यों यार कैसी बातें कर रहे हो, मजा आई ही नहीं आई। इसी से अभी तक हम लोग डर रहे थे कि यार कैसे होगा, ऐसे ही देखना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ लोगे
और डर नहीं लगेगा बिल्कुल। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को भी तुम लोग ऐसे ही कर लोगे, ठीक है? अब आपसे हम मिलेंगे कल, जो ऑक्टल है, जो हेक्साडेसिमल है, या और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको कल बताएंगे। क्योंकि अभी पहले इसको ही समझ लो, पहले ये चीजें क्लियर हो जाए, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पर भी हम काम करेंगे, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से समझो। भगदड़ में समझोगे तो होगा क्या, ऑक्टल को बाइनरी निकालोगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल निकालोगे, जो कि मैं नहीं चाह रही। याद रखो ऑक्टल का बेस है 8, तो यानी 8 से एलसीएम लीजिए। उसकी भी शॉर्टकट में जो भी होगी आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई होप कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से परफॉर्म करो, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। और ये पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, अभी 5-10 मिनट में आप सभी के लिए है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कल आपको तरीका धांसू है, क्या बात है, कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कल दोपहर को 1:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, अगर मान लीजिए नेटवर्क ना धड़ाम हुआ, थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाए तो थोड़ा संभाल लियो। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजों में कभी कभी टाइम लग जाया करता है। अच्छी चीजें थोड़ी देर से भी होंगी चलेगा, लेकिन होनी चाहिए, ठीक है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।